आज़ादी के पर्व को लेकर जिला प्रशासन तरह तरह के आयोजन पिछले चार दिनों से शहर में कर रहा है। इसमें देशभक्ति गीतों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ ही मंगलवार को तिरंगा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें जिला कलेक्टर, एसपी सहित पुलिस अधिकारी व स्कूली बच्चे मौजूद रहे। शहरवासियों ने यात्रा का जगह जगह फूलों से स्वागत किया। आज तिरंगा यात्रा का आयोजन जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से खंडवा शहर में किया गया था। इसमें जितने भी हमारे परेड में प्लाटून्स होंगे, उसमें पुलिस के, होमगार्ड के, एसएएफ के जवान, साथ ही एनसीसी के बच्चे, शौर्य दल के बच्चे और यहाँ के स्थानीय जो बैंड के लोग हैं उनको भी साथ में हमने लिया और पूरे शहर के मुख्य क्षेत्र से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। जैसा आप सभी ने देखा, जनता ने जगह जगह पे इनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की, नारे भी लगाए और एक बड़ा ही उत्साह और उल्लास का माहौल पूरे शहर में देखा गया। हम लोगों का प्रयास है कि जो स्वतंत्रता दिवस है, इस हर घर तिरंगा के अभियान के तहत जो ये कार्यक्रम 3 दिन से चल रहे हैं, इसमें सभी लोगों की सहभागिता हो, लोग अपने इस 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है इसको हर्षोल्लास के मना सके, इसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में कल सुबह वाहन रैली का भी आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें शहर के सभी क्षेत्रों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रैली रक्षित केंद्र से शुरू होकर शहर के सभी इलाकों से गुजरते हुए हम लोग पुनः वहां समाप्त करेंगे। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।